हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द आंसर्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। पेज नंबर 118 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, इनमें से किस किस के पास सबसे ज़्यादा इनर्शिया है। तो हमें पता है कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। ये हमने वीडियोज़ में देख लिया था, आप देख लो किसका मास सबसे ज़्यादा होगा। फर्स्ट वाला, अ रबर बॉल और स्टोन, रबर बॉल और स्टोन ऑफ द सेम साइज, सेम साइज का है, तो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, सेम ही होगा दोनों का, क्योंकि क्या है, साइज सेम है। सेकंड, अब बाईसाइकिल और अ ट्रेन, इन दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, ट्रेन का, ऑब्वियस सी बात है, मास किसका ज़्यादा है, ट्रेन का, ठीक है। अब 5 रुपीज़ कॉइन और 1 रुपीज़ कॉइन, इन दोनों में से मास किसका ज़्यादा है, 5 रुपीज़ कॉइन का, इसलिए सबसे ज़्यादा इनर्शिया किसका होगा, 5 रुपीज़ कॉइन का। ये सेम इसलिए था क्योंकि दोनों का मास क्या है, सेम। सेकेंड क्वेश्चन देखो आप। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस। इस एग्जाम्पल में हमें क्या फाइंड करना है कि कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई है। अ फुटबॉलर प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर, एक फुटबॉलर प्लेयर है ए, ये किक करता है एक फुटबॉलर प्लेयर बी को, इसी के टीम का। हु किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल, जो किस तरफ गोल किक करता है, गोल की तरफ, ठीक है। द गोल कीपर ऑफ द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द बॉल, गोलकीपर अपोजिट टीम का क्या करता है, बॉल को कलेक्ट करता है, ठीक है। कौन कलेक्ट कर रहा है, गोलकीपर इसका अपोजिट टीम का, ठीक है। एंड किक्स इट टूवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, अब ये किसकी तरफ किक कर रहा है, अपने प्लेयर की तरफ किक कर रहा है, ठीक है, ओन टीम, ठीक। ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, देखो पहले ए प्लेयर बी को किक कर रहा है अपने टीम का, ये दोनों टीम के हैं, ठीक है। ये गोल पोस्ट की तरफ कर रहा है किक, गोल पोस्ट पे क्या कौन खड़ा रहता है, गोल कीपर, वो गोल कीपर क्या करता है, बॉल को कलेक्ट करता है, वो अपने टीम की तरफ भेज देता है। अब इसमें हमें बताना है कि वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई है। तो देखो, फर्स्ट प्लेयर ने किक करा बॉल, वेलोसिटी क्या थी, 0 से U पे आई, क्योंकि पहले वाले बॉल इसके पास कहीं और से थोड़ी ना आई, बॉल इसके पास थी, तो इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी शुरू में, 0। जैसे 0 से जैसे उसने B को दिया तो वेलोसिटी चेंज आई, कितनी आई नहीं पता, इसलिए इन्होंने U ले लिया। अब क्या है, सेकंड प्लेयर ने गोल पोस्ट की तरफ मारा तो वेलोसिटी दोबारा चेंज हो गई, ठीक है, U से U1 हो गई, ठीक। यहाँ पे 0 था, 0 से यहाँ पे क्या हुआ, U हो गया, यहाँ से ये इसको मारेगा U1 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, गोलकीपर ने कलेक्ट करा, वापस वेलोसिटी क्या हो गया, गोलकीपर के पास 0, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0, क्योंकि एक काम हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है, फिर से वापस चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूँ तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया इस वाले का, लेकिन गोलकीपर के रिस्पेक्ट में बात करूँ उस बॉल को, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी तो अभी भी 0 है उसके पास, क्योंकि उसने बॉल को रोका हुआ है, और वो जैसे ही इसको देगा तो यहाँ पे वेलोसिटी इसके पास कुछ आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी टेक प्लेस। तो समझ में आया, पहले इसने इसको भेजा यू, फिर इसने इसको भेजा U1, अब बॉल गोलकीपर ने रोक लिया तो वेलोसिटी 0, चाहे इसके लिए फाइनल वेलोसिटी होगी, और गोलकीपर का खुद अगर उसके खुद के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब उसने उसको बॉल को अपने टीम को भेजा, ठीक है, तो उसके टीम के लिए उसके अंदर कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, वो चाहे कुछ भी आए। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई, एक बार यहाँ पे जब बी को देता है, फिर बी से गोलकीपर, गोलकीपर से अपने प्लेयर, ठीक है, तो ये 4 बार वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच फ्रॉम अ ट्री इफ वी वाइगसली शेक इट ब्रांच। तो यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों, देखो लीव्स क्या है, रेस्ट पे है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे, तो वह रेस्ट पे ही पसंद करेगा रहना, लेकिन जैसे ही तुमने उसको शेक कर दिया, किस में लेकर के आ गए, उसके इनर्शिया को ब्रेक डाउन कर दिया, और किस में आ गया, वो इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गया, ठीक है। तो इनर्शिया के ब्रेक डाउन होने की वजह से वो क्या कर जाता है, लीव्स डिटैच हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डू वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन द मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सेलेरेट फ्रॉम रेस्ट। हम क्यों ब्रेक अप्लाई करने के बाद आगे की तरफ गिर जाते हैं और एक्सेलेरेट देने के बाद पीछे चले जाते हैं बस में, ये चीज़ मैं अपने वीडियोस में बता ही चुका हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो क्या होता है, एक्चुअल में इनर्शिया का ही यहाँ पे रोल प्ले होता है,
जब भी हम चलते हुए बसेस में रहते हैं तो उस समय हमारे पास कौन सा आ जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन अटेन कर लेते हैं हम, ठीक है। अब ब्रेक वाले ने क्या, बस वाले ने क्या करा, ब्रेक अप्लाई करा, तो ब्रेक अप्लाई करते ही ये इनर्शिया ऑफ मोशन ब्रेक डाउन हो जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे। बट हमारी बॉडी समझ रजिस्ट कर रही होती है ना रेस्ट पे आने के लिए, तो वो मोशन में अभी भी रहती है। तो सपोज़ वो अगर एक्स पोजिशन पे है, ब्रेक एक्स पोजिशन पे लगा है, ठीक है, तो वो बॉडी क्या करेगी, अपने आप को समझाएगी कि नहीं तू रेस्ट पे नहीं है, रजिस्ट कर रही है ना उसको मोशन में, बोल रही तू मोशन में है, तो वो एक्स डैश तक चली जाती है, ठीक है, इसलिए हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। अब रुके हुए बस में क्या हो जाता है, देखो रुके हुए बस में हमारी बॉडी क्या होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे रहती है। अब जैसे उसको एक्सेलेरेट करता है बस वाला, तो किस में आ जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन में। बट हमारी बॉडी रजिस्ट कर रही है मोशन में आने के लिए, वो क्या बोल रही है, रेस्ट पे है। तो वो अपने पुराने वाले स्टेट को वापस रीगेन करने के लिए वो क्या, पीछे की तरफ हम चले जाते हैं, ठीक है। सपोज़ हम एक्स पे थे, लेकिन एक्सलेट करने की वजह से हम एक्स वन पे आ गए, तो हमारी बॉडी ने क्या बोला, नहीं 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 तू एक्स वन पे नहीं है, एक्स पे ही है अभी भी, ठीक है, क्योंकि वो रजिस्ट कर रही है मोशन में आने के लिए, इसलिए हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज 126 से 127, पहला क्वेश्चन क्या है इसका, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। ये मैं अपने वीडियोज में भी तुम्हें समझा चुका हूँ। इसमें क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ लग रहा है कार्ट को खींचने के लिए। क्या बोलते हैं, जब हॉर्स चल रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। जितना वो ग्राउंड के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है, उतना ही ग्राउंड उसके ऊपर इक्वल फोर्स एग्जर्ट कर रही होती है, बट डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है, किस पे, हॉर्स के फीट के ऊपर, जो हॉर्स को मदद करती है आगे बढ़ने में और कार्ट को खींचने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज। ये होज़ क्या है, जब भी तुमने देखा होगा फायरमैन एक पाइप लेकर के आता है, उस पाइप की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको होल्ड करने के लिए वो डिफिकल्ट क्यों पड़ता है फायरमैन को, जब लार्ज अमाउंट में वाटर क्या कर रहा होता है, इजेक्ट हो रहा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि देखो क्या होता है, ये सपोज होज़ है, होज़ में से पानी निकल रहा है, ठीक है, इसका मोमेंटम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, और इक्वल मोमेंटम प्रोड्यूस करता है वो किस डायरेक्शन में, सपोज वेलोसिटी मतलब एम वी यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ ऑफ वाटर का इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वो उतना ही प्रोड्यूस करेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक। तो अगर लार्ज अमाउंट में मोमेंटम प्रोड्यूस कर रहा है, तो लार्ज अमाउंट में मोमेंटम यहाँ भी प्रोड्यूस होगा, क्लियर है, इसलिए वो पीछे की तरफ भाग जाते हैं अगर उसको सही से पकड़ के नहीं रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ राइफल ऑफ मास 4 kg, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 g इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 m/s, कैलकुलेट इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। क्या है ये, देखो यहाँ पे एक राइफल है, ठीक है, इसमें बुलेट है, ठीक है, राइफल का मास कितना है 4 kg, बुलेट का मास क्या है कितना है 50 g, उसको हम kg में कन्वर्ट कर, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना दे रखा है 35 m/s। देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला। क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2। देखो इस सिनेरियो में क्या है, तुमने पबजी खेला ही होगा, पबजी खेलने वक्त में क्या होता है, पहले गन के अंदर बुलेट रहती है, सेकंड केस क्या है उसका, बुलेट निकलती है, गन पीछे की तरफ भाग जाता है, होता है ना यही वर्चुअल, तुम देखना उसको कभी ऑब्जर्व करना, ऐसे ही होता है। तो पहले वाला केस में क्या है, वो दोनों साथ में चिपके हुए हैं, ठीक है, बुलेट भी अंदर है, बुलेट भी अंदर है और राइफल भी उसके हाथ में ही है। नेक्स्ट केस क्या आता है कि राइफल पीछे की तरफ चले जाता है और बुलेट आगे की तरफ चले जाता है, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं नेक्स्ट वाले केस में। तो हमें यही केस, ये देखो ये इनिशियल वाला ये है और फाइनल वाला ये है। देखो इनिशियल वाले में क्या है, दोनों चिपके हुए हैं, ठीक है, तो दोनों चिपके हुए तो मतलब m1 + m2, और दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा ना भाई, दोनों क्या है, रेस्ट पे है। बट फाइनल वाले केस में क्या हो गया, सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया, तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा ये फाइनल वाला,
m1v1 plus m2v2। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कितनी है, जीरो। क्यों? क्योंकि ये भी बुलेट भी रेस्ट पे है और राइफल भी क्या है, रेस्ट पे। तो दोनों चीज रेस्ट पे होने की वजह से मास, अगर मैं 44 प्लस 0.05 भी कर दूँ तो इनिशियल क्या हो जाने वाला है, जीरो। फाइनल लेकिन आएगा, फाइनल कितना आएगा, m1 मास वन फॉर किसके लिए रखा है हमने, राइफल के लिए, तो 4। और वेलोसिटी ऑफ राइफल तो निकालनी है, रिकॉयल वेलोसिटी इसी को बोलते हैं, ठीक है। राइफल m1 हमने राइफल बोला है ना, इसलिए इनटू प्लस में m2 कितना है 0.05 इनटू में वेलोसिटी ऑफ कितना दे रखा है 35, ठीक है। तो अब देखो ये वाला केस यहाँ पर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे करने के बाद कितना आएगा, ये 0, ये 4v, ये प्लस में 0.05 इंटू 35 करेंगे तो कितना जाएगा आंसर, 5 इंटू में 35 अपॉन में 100। अब देखो क्या हो जाएगा, 4v इक्वल्स टू बी माइनस का 5 इंटू में 35 अपॉन में 100, और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 5 इंटू में 35 अपॉन में 100 इंटू में 4। अब इसको तुम डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0.4375 मीटर पर सेकेंड, बट किस में आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, कि अगर बुलेट तुम्हारा फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो रिकॉयल किस तरफ होगा, बैकवर्ड। इन्होंने यहाँ पे नेगेटिव इंडिकेट इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे करना ज़रूरी नहीं है। अगर तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे, रिकॉयल लिख दोगे, तो रिकॉयल का मतलब अंडरस्टूड है कि वो पीछे की तरफ गया है, ठीक है। तो वही मैंने बोला कि नेगेटिव इंडिकेट सिर्फ डायरेक्शन करता है, या तो आप डायरेक्शन नेगेटिव डाल करके छोड़ दो तो मैं वो टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ कि अपोजिट डायरेक्शन में गया है, या फिर आप ऐसे लिख दो कि रिकॉयल वेलोसिटी विल बी 0.4375 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, माइनस का 0.4375 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। इन दोनों का ऑब्जेक्ट का m1 m2 मास ले लिया और u1 u2 वेलोसिटी ले लिया, ठीक है। ये दोनों कितने वेलोसिटी से जा रहा है, एक 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, एक 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये ए और बी दोनों आपस में कोलाइड कर जाते हैं, ठीक है। जब ये दोनों कोलाइड कर जाते हैं तो क्या है कि पहला वाला जो मूव करता है, ए वाला, वो करता है 1.67 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। अब पूछ रहा है कि बी वाला कितने वेलोसिटी से जाएगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा, m1 u1 plus m2 u2 m1v1 m2v2 वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ चिपका नहीं है, आप ठीक देखो चिपकने का एक ही चीज़ देखना कि बिफोर और आफ्टर। ऊपर वाला रिकॉयल में भी हमने देखा कि फायर होने से पहले चिपके हुए थे, फायर होने के बाद सेपरेट हो गए। यहाँ पे कोलिजन से पहले भी सेपरेटेड थे और कोलिजन के बाद भी सेपरेट है, इसलिए इनको अलग अलग लिखा है। इनकी अब मैंने वैल्यूज़ डाल दी, मास 1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड के साथ केजी में रहेगा। ये 2 × 0.1, m2 0.2 × 1 kg, और यहाँ पे भी मैंने वैल्यूज़ डाल दी। डालने के बाद कितना आ गया, 0.2 plus 0.2 0.16 plus 0.2, ठीक। इसको ऐड करने के बाद 0.4 और यहाँ 0.167 माइनस हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ जब यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड ये कर दिया, v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.165 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि ये कितने वेलोसिटी से मूव करेगा, 1.1675 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी कैसी आई है, पॉजिटिव, इट मीन्स ये सारे के सारे क्या है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ए टू बी ऐसे ऐसे, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे, सभी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारे बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक। ये देखो क्वेश्चन में पूछा क्या, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एन नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स वही जिस जो किसी को एक्सेलरेट करवाए, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे क्या है, जीरो है, मतलब अनबैलेंस फोर्स इस पर लग ही नहीं रहा है। इज़ इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विथ नॉन जीरो वेलोसिटी। क्या पॉसिबल है इस ऑब्जेक्ट के लिए कि ये नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करे, मतलब कि इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने क्या बोला कि अनबैलेंस फोर्स लगने के बाद ही एक्सेलरेशन होता है,
वीडियोज में बोल ही चुका हूँ, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि इस पर अनबैलेंस फोर्स भी नहीं लग रहा हो लेकिन वो किसी वेलोसिटी से घूम रहा हो? हाँ ये पॉसिबल है, तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इसका वेलोसिटी मतलब स्पीड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। स्पीड के साथ क्या और कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन और स्पीड दोनों कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन में टी, और वी के वी और यू क्या है यहाँ पे सेम है, कांस्टेंट रखा है ना, वी और यू सेम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन अपने आप जीरो हो जाएगा। तो सेकेंड लॉ क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मूवमेंट है, वी माइनस यू अपॉन में टी। वी और यू क्या, वी माइनस यू अपॉन में टी क्या था, ए ही था ना, तो ए की वैल्यू जीरो, तो फोर्स इस पर कोई लग नहीं रही है। तो ये यही बोल रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर इस पर नहीं लगेगा तो क्या ये पॉसिबल है उस ऑब्जेक्ट के लिए कि वो मूव करे? हाँ ये पॉसिबल है उस ऑब्जेक्ट के लिए वो मूव करे, बट रिक्वायरमेंट क्या है कि उसका डायरेक्शन और स्पीड कॉन्स्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट जर्नी, पूरे जर्नी तक। क्लियर है ये चीज? सेकेंड क्वेश्चन, ये मैं बता ही चुका हूँ एग्जांपल तुम्हें वीडियो में, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन बिकॉज ऑफ ड्यू टू इनर्शिया। जब तक वो उसके ऊपर कारपेट के ऊपर रहता है तो क्या रहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और जैसे ही उसको बीट करते हैं स्टिक से तो वो किस में आ जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन में, और ग्रेविटी की वजह से वो सारे के सारे कहाँ गिर जाते हैं, पार्टिकल्स ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of bus with a rope? ये इसलिए एडवाइस करा जाता है, सेम लगेज भी उसके ऊपर रख देंगे हम बस के ऊपर तो वो भी हमारे तरह के का ही बिहेव करेगा, जब गाड़ी रुकेगी तो लगेज आगे की तरफ भाग जाएगा और जब गाड़ी चलेगी तो लगेज पीछे की तरफ भाग जाएगा, इनर्शिया। ठीक है, या फिर जब टर्न करेगा कहीं पे तो जैसे हम टर्न कर जाते हैं ना एक साइड में भाग जाते हैं वो इनर्शिया की वजह से, तो वो भी इनर्शिया की वजह से ऐसे सेम सिमिलर हमारी तरीके से करेगा। तो इसी इनर्शिया को रोकने के लिए, मतलब कि वो बार बार अपना स्टेट ना चेंज करे, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, लगेज को टाई कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। एक बैट्समैन एक क्रिकेट बॉल को हिट करता है और वो लेवल ग्राउंड पे रोल करते करते कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रुक जाता है। द बॉल स्लोस टू अ स्टॉप बिकॉज, बॉल स्लो क्यों हुआ होगा आपके नज़र से? यहाँ पे ऑप्शन है चार, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड, क्या उसने तेज नहीं मारा होगा? वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, वेलोसिटी फोर्स के प्रोपोर्शनल है। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, क्या बॉल के ऊपर कोई अपोजिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है? या देयर इज अ नो अनबैलेंस फोर्स, क्या वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स नहीं है बॉल के ऊपर? अनबैलेंस फोर्स मतलब कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, सो द बॉल वुड वॉन्ट टू कम टू रेस्ट, सो बॉल अपने मतलब आकर के रुक जाएगा। तो ये सब गलत है, इसका आंसर क्या है, सी, क्यों? क्योंकि उस पर एक फोर्स कौन सा लग रहा है, अपोजिंग फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है। ठीक, वो अगर मैंने हिट करा इस तरफ तो फ्रिक्शन इस पर इस तरफ से लगेगा। ठीक है, तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन लगते लगते वो क्या करेगा, एक टाइम पे आकर के स्टॉप हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक ट्रक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। देखो मैं बोल रहा हूँ अभी भी तुम्हें कि जब तक तुम्हें मोशन क्लियर नहीं होगा इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक ट्रक हिली एरिया से रोल डाउन करते हुए इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आया जा रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा है, 400 मीटर, और कितने टाइम में कर लिया उसने ट्रैवल, 20 सेकंड्स में। इसका एक्सेलरेशन वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है और फोर्स बोल रहा है कितना उस पर एक्ट करेगा। ठीक है, अगर उसका मास कितना है, 7 टन, 1 टन की वैल्यू कितनी है, 1000। ठीक है, तो जब 1 टन 1000 है तो 7 टन कितना हो जाएगा, 7000 kg। ठीक है, तो निकालना क्या है हमें, फोर्स और एक्सेलरेशन। अब देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, तो मोशन का तुम्हें तीनों इक्वेशन याद होना चाहिए, क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as और s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो ये तो लगना नहीं है, क्यों नहीं लगना, क्योंकि एक्सेलरेशन तो दे ही नहीं रखा। ये भी नहीं लगना, क्यों नहीं लगना, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है। तो एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है तो v और u तो दे रखा होगा, नहीं, क्या नहीं दे रखा है, v नहीं दे रखा है यहाँ पर, u तो दे रखा है। इसमें भी वही v की ज़रूरत है और a की ज़रूरत है, और निकालना हमें a है। तो जब तीन चीज़ में से तीन या चार चीज़ों में से तीन चीज़ ना दे तो चौथी चीज़ कैसे निकलेगी। बट यहाँ पे क्या है कि दो चीज़ दे रखी है और एक चीज़ पूछी और एक चीज़ दे ही नहीं रखी है, तो ये तो निकाल ही नहीं पाएंगे, ना इस वाले से निकालेंगे ना इस वाले से निकाल पाएंगे। तो इस वाले से निकाल पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हमें डिस्टेंस भी क्लियर है, टाइम भी क्लियर है, इनिशियल भी क्लियर है, बस एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला ऐसे करना है कि हमें चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक, तो इस वाले से हम निकाल लेंगे एक्सेलरेशन। ये 400 मीटर दे रखा था, इनिशियल जीरो था, टाइम 20 सेकंड्स, 1a टाइम 20 स्क्वायर, ये करने के बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमने निकाल लिया था 7000 kg, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 14000 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अ स्टोन ऑफ 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest. एक kg के स्टोन को 20 meter per second के हिसाब से फ्रोजन लेक के ऊपर फेंका जाता है और वो रेस्ट पे आ जाता है 50 meter ट्रेवल करने के बाद। अब उस पर पूछ रहा है कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा है उसके ऊपर, ये बताओ। तो देखो मास इतना है, इनिशियल वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से फेंका गया, 20 meter, और वो क्या है, रेस्ट पे आ गया, तो v मतलब जीरो दे रखा है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, 50 मीटर। फोर्स पूछ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स मतलब ma, ए तो पता होना चाहिए, a निकालना है। तो वही मोशन का तीन इक्वेशन निकाला, लिखा, और लिखने के बाद सेलेक्ट कर लो कि तुम्हें किसकी ज़रूरत है। ठीक, तो v 0, u 20, a की निकालना है और s 50। ये रखने के बाद देखो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि ये 0 का स्क्वायर कर दिया, माइनस को अंदर ले लिया और 20 लिख दिया और ये इसको स्क्वायर कर दिया और फिर बोल दिया कि ये 400। ठीक है, और ये 100 है, ये गलत है, ये माइनस 20 के साथ नहीं आया है। ठीक है, माइनस क्या है, ये बाहर है, क्लियर, तो ये माइनस बाहर ही रखना है। तो एक्सेलरेशन किस में आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब डी एक्सेलरेशन, रुका है वहाँ पे। तो ये वैल्यू जब तुम यहाँ पे पुट करोगे तो फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो देखा, मैंने बोला था ना कि नेगेटिव इंडिकेट क्या कर रहा है, कि अपोजिंग फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगता है, हमेशा अपोजिंग फोर्स ही लगता है। क्लियर है ये चीज, कि यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव फ्रिक्शनल फोर्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8000 kg पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। अगर 8000 kg इंजन वाला एक ट्रेन को खींच रहा है जिसके 5 वैगन्स हैं, ठीक है, इंजन इन्होंने अलग बोला है, जिसका वेट कितना है 8000, और कितने को खींच रहा है, ये 5 वैगन्स को खींच रहा है, और हर वैगन का वेट कितना है 2000 का। ठीक है, अगर ये फोर्स एग्जर्ट कर रहा है 40,000 न्यूटन, और इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है 5000 न्यूटन का। ठीक है, तब कैलकुलेट क्या करना है, ये देखो, पहला नेट एक्सेलेटिंग फोर्स हमें पता है ये कितने का है, 8000 का, और ये बाकी कितने के हैं, 2000 के हैं। ठीक है, तो नेट एक्सेलेटिंग फोर्स कैसे निकलेगा, ये इंजन जितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है 40,000, और फ्रिक्शनल फोर्स जितना लग रहा है उसको माइनस करने के बाद नेट एक्सेलेटिंग फोर्स निकल जाएगा 35,000 न्यूटन। अब क्या निकालना है, दूसरे में हमें फोर्स कितना एग्जर्ट कर रहा है, कौन, ट्रेन कितना कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो ट्रेन तो इन पाँचों को मिल करके नाम है। ठीक है, कौन खींच रहा है इनको, ये खींच रहा है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ वैगन्स। तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ इंजन 8000 एंड मास ऑफ वैगन कितना हो जाएगा, 2000 के 5 है तो 10,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 प्लस 8 18,000 kg। अब एक्सेलरेशन कितना, ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या होगा,
35,000 मतलब फोर्स इक्वल्स टू बी मास इंटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स कितना लग रहा था उस पर 35,000 का और मास कितना आया है 18,000, डिवाइड करने के बाद एक्सेलरेशन कितना जाएगा 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें सेकेंड वाले पार्ट में क्या निकालना था, एक्सेलरेशन, ठीक, ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना था। अब देखो थर्ड वाले पार्ट में क्या है, थर्ड वाले पार्ट में बोल रहा है कि फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा वैगन वन वैगन टू के ऊपर। ठीक है, अगर ये वैगन वन है और ये वैगन टू है तो ये किस पे फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा। अब देखो ये इस पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, इसके साथ कितने लगे हुए, तीन और लगे हुए, तो मतलब ये चारों पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ना वैगन वन वैगन टू के ऊपर। हमने वैगन वन वैगन टू पे कितना एग्जर्ट कर रहा है, ये देखो फोर्स फोर्स इक्वल्स टू बी मास इंटू एक्सेलरेशन, बट मास यहाँ पे कितने हैं, चार है। ठीक है, क्योंकि एक ही वैगन पे वो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है बट उसके साथ तीन और लगे हुए हैं। ठीक, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, फोर इंटू में 2000 इंटू में कितना हो जाएगा 8000 और इंटू में एक्सेलरेशन अभी हम निकाल चुके हैं ट्रेन का कितना है 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा 15,552 न्यूटन। ठीक है, Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.